सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। की चर्चा भी आई है, बद्रीनाथ धाम में और नैमी शरण में स्नान करने की महिमा, दर्शन की महिमा कब? जब सूर्य मेष राशि का हो और बृहस्पति मेष राशि के हो तो नैमी शरण में गोमती नदी में स्नान की बड़ी महिमा है और बद्रीनाथ धाम में भी स्नान की बड़ी महिमा है। अब आगे चर्चा आ रही है सदाचार। सदाचार कैसे कहते हैं? बहुत सुंदर चैप्टर है, प्रकरण है, सदाचार किसे कहते हैं? सूत जी ने कहा हे ऋषियों, ऋषियों ने प्रश्न किया सदाचार क्या है, सूत जी जवाब दे रहे हैं। सदाचार युतो विद्वान ब्राह्मणो नाम नमता। सबसे पहले चर्चा ही सदाचार किसे कहते हैं, तो सबसे पहले चर्चा ही ब्राह्मण की। सदाचार क्या है? जिसका जीवन सदा हुआ है, जिसके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम है, सदाचार से युक्त जिसका जीवन है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। सदाचार का दूसरा भाव समझ ले, जिस मार्ग पर महापुरुष चलकर निकल गए उसका अनुकरण करना ही सदाचार है। महाजनो हेन गता सपंथा, जो मार्ग ऋषियों ने महापुरुष ने हमको दिखाया है उसी मार्ग पर चलना सदाचार है। तो ब्राह्मण कौन? जो निरंतर सदाचार का जीवन जिए, सदाचार में रह करके भगवान की सेवा भक्ति उपासना करता है, उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। अच्छा, ब्राह्मण की यहां पर कई कैटेगरी रखी गई है। चार वर्ण का ब्राह्मण बताया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और चौथे वर्ण का ब्राह्मण भी कहा गया। जो ब्राह्मण पढ़ने के बाद किसी के यहाँ केवल पेट भरने के लिए पूजा पाठ करता है, नौकरी चाकरी करता है, उसे क्षत्रिय श्रेणी का ब्राह्मण कहा गया है। जैसे बहुत से ब्राह्मण होते हैं ना, किसी के यहाँ पाठ करते रहते हैं, किसी शेठ जी के यहाँ, किसी ठाकुर के यहाँ। तो जो ब्राह्मण केवल पेट भरने के लिए पढ़ने के बाद पाठ करता है उसे क्षत्रिय श्रेणी का ब्राह्मण कहा गया। जो ब्राह्मण खेती भी करता है और थोड़ा बहुत पंडिताई जैसे गांव में होते हैं कर लेते हैं, उसे वैश्य श्रेणी का ब्राह्मण कहा गया है। और जो केवल और केवल खेती करता है, कभी भगवान का भजन नहीं करता, कभी भगवान के लिए संध्या वंदन नहीं करता, उसे चौथे वर्ण का कहा गया है। ध्यान देना, इस प्रकार ब्राह्मणों की चर्चा है। इसमें क्षत्रिय वैश्य की चर्चा, चारों वर्णों की चर्चा ही है। और शिवपुराण में यहां तक लिखा है कि सुबह उठने के बाद दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किस दिशा में हमको नित्य क्रिया कर्म के लिए जाना चाहिए, यह भी शिवपुराण मार्गदर्शन कर रहा है। ब्राह्मण के लिए कहा गया कि ब्राह्मण तपोनिष्ठ हो, भगवान का भक्त हो, निरंतर भगवान की सेवा करता रहे और लोगों को सही मार्ग दिखाता रहे, वो ब्राह्मण। और क्या करे? शिवपुराण में लिखा है जब सुबह नित्य क्रिया कर्म करने के बाद बहुत से लोग उंगली से अपना मुख साफ करते हैं, तो शिवपुराण कहता है इस उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसका प्रयोग करने से पाप लगता है, इन्हीं तर्जनी उंगली को मुख में नहीं डालना चाहिए। ये दूसरे नंबर की मध्यमा उंगली का प्रयोग शिवपुराण में कहा गया। यदि मुख भी साफ करना हो तो मध्यमा उंगली का प्रयोग करना चाहिए, ना कि तर्जनी उंगली का, इससे दोष लगता है, पाप बढ़ता है। अब इतनी सूक्ष्म बात और कौन कह सकता है? हमारे ग्रंथों के अलावा कोई कह सकता है? इतना गंभीर चिंतन, इतना सूक्ष्म चिंतन, यहां तक लिखा है कि दिशा में जाए तो सिर के ऊपर वस्त्र होना चाहिए। अब तो व्यवस्थाएं घरों में भी हो गई, लेकिन जो लिखा है किस तरह कहां जाना चाहिए वो सारी क्रिया यहां पर लिखी है। और ब्राह्मण को एक नियम के तहत सतम जीवे में सरदा, जो कलयुग की उम्र कितनी बताई गई 100 वर्ष। आजकल तो कोई बहुत ही बिरले पूरी करते,
तो 100 वर्ष के मुताबिक लिखा है कि ब्राह्मण को 70 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लेना चाहिए। आजकल थोड़ा और पहले 60 के बाद कभी भी संन्यास ले लेना चाहिए ब्राह्मण को, ये ब्राह्मण के लिए कहा गया। और उसके बाद अब चर्चा आई है अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, 3 यज्ञ हैं। अग्नि यज्ञम देव यज्ञम ब्रह्म यज्ञम तथैव च, 3 यज्ञ हैं। पहला अग्नि यज्ञ है, हर व्यक्ति को प्रयास पूर्वक यज्ञ करना चाहिए। अग्नि यज्ञ क्या है? चावल, जौ और महाराज तिल मिला करके अग्नि में आहुति देना, घी मिश्रित करके, मिष्ठान मिश्रित करके। और इसमें भी एक बड़ी सुंदर विधा आप लोग घर में भी कर सकते हैं, और पहले की माताएं तो करती ही थी। जब रसोई में भोजन बनाती थी तो पहली रोटी जब बनाती तो उससे पूर्व एक छोटा ग्रास का टुकड़ा निकालती थी और अग्नि में छोड़ देती थी, वो अग्नि यज्ञ है। और मुझे लगता है उन माताओं ने कभी ये ग्रंथ देखे नहीं होंगे, लेकिन कितना बोध था उनको कि पहली रोटी का छोटा ग्रास का टुकड़ा निकालकर अग्नि में छोड़ा जाता है। तो आप लोग ध्यान दें, क्योंकि आप लोग भोजन कम बनाते हैं, आपके यहाँ तो बनाने वाले भी कई आते हैं। और प्रायः हमको तो बड़ा खतरा रहता, कोई कहता महाराज प्रसाद पाओ तो फिर डर रहता, पता नहीं कौन कैसे बना रहा है। इसलिए ये निर्णय हो जाए कि बनाने वाला कौन है, तब प्रसाद पाने की बात आती है। क्योंकि आजकल देखिए अन्न का दोष तो है ही, बनाने वाले का भी दोष, उसकी क्या मनोवृत्ति है, उसकी क्या मनोदशा है, वो तो किस तरह रसोई में कार्य किया जा रहा है। यदि उस भोजन को किया जाएगा तो विकार उत्पन्न होना लाजमी है, ध्यान देना। इसलिए अग्नि यज्ञ, आप जब रसोई में रोटी बनाएं, छोटा सा रोटी का टुकड़ा लेकर अग्नि में छोड़ दें। फिर है देव यज्ञ, देवताओं का आवाहन करके हम यज्ञ करते हैं, तिल जौ चावल घी बूरा और सामग्री है, कमल गट्टे हैं, बिलगिरी है, अगर तगर नागर मोथा, बहुत सारी चीजें मिलाकर, सुगंधित सफेद चंदन है, लाल चंदन है, सब मिलाकर के हवन करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोग मार्केट का पकड़ लाते, ये बड़ी विडंबना है। जो पैकेट आप लाते हैं ना मार्केट का, अब मार्केट वाले भले नाराज हो जाएं, लेकिन यथार्थ है कि मार्केट वाले पैकेट में पता नहीं क्या मिलाया जाता है, ना आपने देखा ना मैंने देखा। आजकल तो व्यापार के लिए कुछ भी किया जा रहा है, काले तिल में पत्थर मिला दिए जाते हैं। अरे इसी आपके दिल्ली शहर में जब पता चल गया घोड़े की नाल बिकती है, तो घोड़े को खिजाब करके उसकी नाल बेचना शुरू कर दिया लोगों ने, उसके बालों को रंगकर लाल को ही काला कर दिया, सफेद को ही काला कर दिया, उसकी नाल बेचना शुरू कर दिया लोगों ने। तो व्यापार के लोग कहां से कहां, आम की लकड़ी मिलती थी, आजकल तो पैकेट आ गया वो। अब पैकेट में भगवान जाने कौन सी लकड़ी है, किस चीज की लकड़ी है, उससे लोग हमन करते हैं। हर चीज रेडीमेड हो गई है, क्यों, हम सुविधा भोगी हो गए, हम प्रयास नहीं करते। मैंने दिल्ली जैसे शहर में देखा है, अब तो एक और प्रचलन में आ गया कि कलश में आम के पत्ते नहीं तो अशोक के लगा दो, वो मालिक को बोलते हैं फूल दे जाना, वो अशोक के पत्ते से फूल दे जाता है। उस मालिक को पता नहीं किसने समझा दिया कि ये लगते हैं कलश में, कहीं कोई विधान नहीं है। हमारे यहाँ पंच पल्लव का विधान था, आम हो, पीपल हो, बड़गद हो, जामन हो, गूलर हो, ये पंच पल्लव है। इसलिए ना मिले तो कम से कम आम तो होना चाहिए, आम अति उत्तम माना गया, आम का पल्लव। हम लोग आम के पल्लव को हर त्योहार में बांधते, उसकी महिमा है। लेकिन हम धीरे धीरे सुविधा भोगी हो गए, हमने तो ऑर्डर किया, जैसे आजकल वो ऑर्डर करते हैं तो खाने की पिज्जा बर्गर सब आ जाता है, हाँ जी होम डिलीवरी हो गई। अब बस मैं कई घरों में देखता हूँ शाम को भोजन बनता था, क्योंकि मैं भी भ्रमण करता रहता हूँ, भोजन के बाद कभी टहलता हूँ, पता चलता वो गाड़ी लेकर आते हैं, घर घर में देकर जाते हैं, उसी को लोग पाते हैं, अगले दिन डॉक्टर के यहाँ चले जाते हैं।
और बड़ी गजब की बात है, वो बनाने वाला कैसे बना रहा, क्या सड़ा है, क्या गला है, उसने बनाकर दे दिया आपने खाली। भोजन की शुद्धता, यज्ञ की शुद्धता तभी तब होगी जब भोजन शुद्ध हो जाएगा, यज्ञ शुद्ध हो जाएगा तो भजन भी शुद्ध हो जाएगा। हमारा भजन क्यों शुद्ध नहीं हो रहा है कि हमारा भोजन गड़बड़ हो गया है, हमारा भोजन ठीक नहीं हो रहा है, हमारे भोजन करने के तरीका ठीक नहीं है। आज देव यज्ञ की बात आई है तो देवताओं का आवाहन करके कभी भी यज्ञ करें, यहाँ भी यज्ञ होगा, आपसे निवेदन है कि पहले सामग्री लाएं, दो दिन चार दिन पहले लाएं, तिल लाएं, जौ लाएं, चावल लाएं, वो सामग्री को मिलाकर तैयार करें। और एक चीज और, शायद आपको पता होगा, हम जब सामग्री मिलाते हैं तो काले तिल की मात्रा यदि 3 किलो है तो ठीक उसका आधा होना चाहिए चावल और ठीक उसका आधा होना चाहिए जौ। इस मात्रा में ऐसा नहीं कि आपने मन किया जितना डालना उतना डाल के तैयार कर दो, ना। मैंने बड़े बड़े महात्माओं से सुना है कि बड़े बड़े यज्ञों में तो महाराज अब दुकानदारी हो गई है, बड़े बड़े यज्ञ कराते ना लोग, कई जगह यज्ञ होते हैं पर बोली लगती, प्रधान कुंड के यजमान कौन बनेंगे, प्रधान यजमान कौन बनेंगे, 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, जहां बोली टूट जाए व्यापार। अब प्रधान कुंड का यजमान 20 लाख दे रहा है, लेकिन वहां पर ये नहीं पूछा गया कि प्रधान यजमान कभी संध्या वंदन भी करता है, कभी जनेऊ भी पहनता है, कभी सिखा भी रखता है, ये नहीं, खाली पैसा दो। ये जितने जितने बड़े बड़े मठाधीश और बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य यज्ञ करा रहे हैं, इन सब ने व्यापार बना दिया यज्ञ को, सबने व्यापार बनाया है। मैं बिल्कुल सावधानी पूर्वक ये बात कह रहा हूं, जो सुन रहे हैं वो भी सुन ले कान खोल कर। ये जितने बड़े बड़े मठाधीश महात्मा हैं यज्ञ के नाम पर शोषण कर रहे हैं, और सत मालूम होना चाहिए ना, यज्ञ में जरा सी त्रुटि हो जाए, जरा सी, तो मालूम है क्या होता है, ऐसे गण बैठे हैं कि उस यज्ञ को तुरंत अपने कब्जे में ले लेते हैं, फिर यज्ञ पूर्ण नहीं होता होगा। हमारी दृष्टि में होता होगा लेकिन वो पूर्ण नहीं होता, ये ध्यान देना। तो जब यज्ञ करें तो एक काम करें, काले तिल लाएं, चावल लाएं, जौ लाएं, उसके बाद एक गोला लाएं, उसमें घी मिलाएं। शास्त्र तो यहां तक कहता है कि देसी गाय का शुद्ध घी मिले तब यज्ञ की महिमा है। देसी गाय का शुद्ध घी मिल जाए, उसको मिलाकर फिर यज्ञ किया जाए। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि देसी गाय का घी खाओ कम लेकिन जलाओ ज्यादा, खाओ कम जलाओ ज्यादा, उससे क्या होगा, पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा। देसी गाय के घी में वो औषधि तत्व विद्यमान है, उसके दूध में, उसके घी में, हर चीज में औषधि तत्व विद्यमान है कि प्रकृति को सुंदर बना देता है देसी गाय का घी। अब तो अनेक महापुरुषों ने एक गौशालाएं खोली है और बहुत अच्छी बात है, खुलनी चाहिए, जिसकी जो सामर्थ्य है वो करनी चाहिए। देव यज्ञ करना चाहिए, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, और तीसरा है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है, इन ग्रंथों का नित्य पठन और पाठन करना चाहिए, कोई भी ग्रंथ, और विशेषकर ब्राह्मणों को तो पढ़ना ही चाहिए। कम से कम ब्राह्मण को 1 या 2 घंटा 3 घंटा प्रतिदिन कोई ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, कोई पुराण पढ़ना चाहिए, कोई शास्त्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के लिए कहा गया कि ब्राह्मण को महाराज ब्रह्म यज्ञ जरूर करना चाहिए। जो ब्राह्मण इन वेद को नहीं पढ़ता, पुराणों को नहीं पढ़ता, वो ब्रह्म यज्ञ से वंचित हो रहा है। इसलिए अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और फिर है ब्रह्म यज्ञ। इसलिए ब्रह्म यज्ञ की बड़ी महिमा है। हमारे ऋषियों ने जो चिंतन किया, ऋषियों ने जो तप किया और तप करने के बाद ये ग्रंथ दिए, यदि हमारे साधक नहीं पढ़ेंगे तो ग्रंथों की परंपरा लुप्त हो जाएगी, ये पुराणों की परंपरा लुप्त हो जाएगी। आज प्राय ऐसा ही हो रहा है, आजकल लोग कितना पढ़ते हैं, अपने काम चलाओ, जितने में काम चल जाए, लोगों ने फिक्स कर रखा, जिसे कितना पढ़ लो कितने मेरा काम चल जाएगा, उसके आगे क्या पढ़ना, तो उसी में घूमते रहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते हो, नहीं
आप कुछ भी करते हो, कर्म कांड करते हो, पूजा करते हो, आप प्रवचन करते हो, कुछ भी करें, लेकिन ग्रंथों का स्वाध्याय बहुत आवश्यक है ब्राह्मणों के लिए। इसलिए ब्राह्मणों से भी निवेदन है कि सभी ब्राह्मण देवता समय अनुकूल थोड़ा स्वाध्याय करते रहे, ब्रह्म यज्ञ का आनंद लेते रहे। उसके